सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है गाइस, इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो आपको वीपीएन वगैरह ऑन करके रख लेना है, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कैपकट ऐप में एडिटिंग करनी है। जो भी स्टॉक होगा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना न्यू प्रोजेक्ट पर। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी वीडियो को ऐड करना है जो आपको एडिट करनी है। उस वाली वीडियो को हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको करना क्या, जब आप वीडियो को अपनी ऐड कर लोगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस ऑडियो को ऐड करना है, ठीक है। ऑडियो वाले ऑप्शन में वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको सिंपली उसका वॉइस को जो है इंपोर्ट कर देना है गाइस म्यूजिक को। एंड यहाँ पे गाइस आपको प्ले करना है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है पहले ब्लर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर जाएंगे और वीडियो इफेक्ट में जाएंगे। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे डायमंड ब्लर यहाँ पे लेंगे। एंड उसके बाद गाइस इसकी जो इंटेंसिटी को फुल रख लेंगे, एंड स्पीड को जो है अपने हिसाब से रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतने हिसाब से आप रख लेना। बाकी गाइस यहाँ पे हम प्ले करेंगे, एंड गाइस यहाँ पे म्यूजिक का एक साउंड है, जहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है ब्लर खत्म कर रहा है। तो यहाँ तक ब्लर है, यहाँ तक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बार और प्ले करके चेक कर लूँगा। तो आप लोग भी एक बार प्ले करके चेक कर लेना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस जैसे ही आप चेक कर लोगे तो गाइस आप लोगों को सिंपली वीडियो के ऊपर एक बार टैप करना है। एंड वीडियो को टैप करने के बाद आप लोगों को जो है वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ वहाँ पे स्प्लिट कर देना है, एंड उसके बाद एनिमेशन पे चले जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करना है साइड में, आपको ये वाला एनिमेशन यूज़ करना है गाइस, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब आप लोग इतना काम हो जाएगा, तो इतना काम हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग में चले जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे एक एनिमेशन और ऐड करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको जो एनिमेशन में चले जाना है गाइस, ऊपर कॉम्बो में चले जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद आपको ये वाला एनिमेशन ऐड करना है इसमें, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है फोटो का, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ से बैक चलना है। बैक चलने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका एनिमेशन अच्छे तरीके से लगा कि नहीं लगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे करने के गाइस आप लोग अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना है। वीडियो पर टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली कर्व वाले ऑप्शन में चले जाना है, स्पीड वाले कर्व में। एंड उसके बाद यहाँ पे कस्टम वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जो आपको अपने हिसाब से जो है यहाँ पे स्लोमो को आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखिए इतना काम हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे प्ले करके अपनी वीडियो को चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से वो यहाँ पे एडिट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी वीडियो में जो है लेंथ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गाइस यहाँ पे वीडियो जो हमारी स्लोमो सही से ऐड नहीं हो पाया, बट आप लोग वीडियो की लेंथ ज़्यादा रखना। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं देखती है। आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।